मुल्क भर की 9वीं-10वीं क्लासेस जामियात 15 सितंबर से खोलने का फैसला। 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस 22 सितंबर, जबकि तमाम प्राइमरी क्लासेस 30 सितंबर से शुरू की जाएंगी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान तालीमी इदारे मरहलावार खोलने पर इत्तेफाक। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है कि स्कूलों को डबल शिफ्ट में चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तमाम जमातों के तलबा को मुतबादल दिनों में बुलाया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कि अगर किसी इलाके में कोरोना बढ़ता है तो वहाँ स्कूल्स बंद किए जाएंगे, स्कूलों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। सियासी बद इंतजामियों के बायस कराची के हालात बदतरीन हुए। विफाक कराची के मसाइल को हल के लिए माली वसाइल देगा। कराची की तरक्की विफाकी हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान से मुलाकात में इजहार ख्याल। इमरान खान ने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत मनसूबों पर जल्द अमल दरामद जरूरी है। डॉलर कमाए बगैर लोगों के हालात नहीं बदल सकते। मईशत को कोरोना के नुकसान से निकलने में मजीद 3 से 4 माह लगेंगे। मुशीर खजाना हाफिज शेख की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुफ्तगू। कहा मईशत की तरक्की के लिए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा। विफाक और सूबाई हुकूमत के मिलकर काम करने से पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान को ना कोई धमकी दी जा सकती है, ना ही नए हासिल किए गए असलहे के अंबार से मरूद किया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान आम पसंद मुल्क है, जंग मुसलत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा भारत बालाकोट में अपने नाकाम हमले में देख चुका। आर्मी चीफ ने जनरल हेडक्वार्टर में होने वाली तकरीब में जवानों और अफसरान को इज्जत से भी नवाजा। शहदा के इज्जत इनके अहल खाना ने वसूल किए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरअली में सिक्योरिटी फोर्सेज की अहम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। अहम और मतलूब दहशतगर्द वसीम ज़करिया 5 साथियों समेत हलाक। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। हलाक दहशतगर्द वसीम 2019 से सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों समेत 30 दहशतगर्द कार्रवाइयों का मास्टर माइंड था। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में कमसिन बच्ची का कत्ल। बच्ची को कत्ल करने के बाद ईसा नगरी की कचरा कुंडी में फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक। MLO डॉक्टर जकिया के मुताबिक बच्ची को भारी चीज़ सर पर मारकर कत्ल किया गया। पुलिस की 11 अफराद को हिरासत में लेकर पूछगिछ। इलाका मकीनों का दूसरे रोज़ भी एहतजाज, मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा। दरिया सिंध में गुड्डू के मुकाम पर ऊंचे और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मोर ता सखर कच्चे के तमाम इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। दादू और मीरपुर खास में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकें। लोग घर बार छोड़ गए। कपास, चावल और सब्जियों की फसलें मुतासर। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। सिंध में सैलाब से मुतासरा हर खानदान को 1 लाख रुपए कैश। जाम हक होने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए फीकस और हर जख्मी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खत लिखकर वज़ीर आज़म से मुतालबा। खत में कहा गया कि मानसून सीज़न ने बड़ी और नाकाबिले तलाफी तबाही मचा दी। 20 अज़ला में 23 लाख लोग मुतासर हुए। ज़रिए तरक्याती बैंक के कर्ज़े मुआफ़ करने और अदायगियाँ मौखर करने का मुतालबा। हालिया बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं चकवाल, कलरकहार और खुशाब को आफजदा करार दिया जाए। बारिशों के बायस मुतासर इलाकों में फसलें तबाह हुई, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, नुकसानात का अजाला किया जाए। चोबारा लैया का सोलर पावर प्रोजेक्ट खसूसी अहमियत रखता है। नया पाकिस्तान सोलर पावर प्रोजेक्ट पर हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फ़ियाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़ियादत में हुकूमत ने सस्ती तवानाई के हसूल की दाग बेल डाली। यूनिवर्सिटियों की सोलर पावर प्रोजेक्ट से 60 MW क्लीन एंड ग्रीन और सस्ती बिजली मुहैया होगी।
मुल्क भर में योम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है। कराची में राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर की कबर पर फूल रखने की तकरीब। एयर वाइस मार्शल अब्बास घुमन ने कबर पर फूल रखे और फातह खानी की। पाक फ़ज़ाइया के चाक को चौबंद दस्ते ने सलामी दी। एयर वाइस मार्शल अब्बास घुमन ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सलामती के लिए हमेशा आगे रही। गुज़िश्ता बरस 27 फरवरी को भी इस अज़्म का मुज़ाहरा किया गया। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 394 नए केसेज रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमू तादाद 2,98,903 हो गई। मजीद 3 मरीज जांबहर कमबाद 6,345 तक जा पहुँची। मुल्क भर में एक्टिव केसेज की तादाद 6,542 रह गई। सरफराज को एक मैच खिलाकर फारिग करने का तासर गलत है, वो प्लान का हिस्सा है। दौरा इंग्लैंड मजमूई तौर पर मुस्बत रहा लेकिन नतज के हवाले से अफसोस रहेगा। हेड कोच मिसबाउल हक का कहना था कि दुनियाई क्रिकेट के लिए पाकिस्तान टीम का दौरा इंग्लैंड ज़रूरी था। बाबर आजम पावरफुल कप्तान हैं, इन्हें फैसले करने का इख्तियार है। भारत कोरोना से मुतासरा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। 24 घंटों में 90,802 नए केसेज रिपोर्ट हुए। हलाकतों की तादाद 71,000 से तजावज़ कर गई। स्पेन और फ्रांस के बाद बरतानिया में भी कोरोना की दूसरी लहर का खदशा। शाम में अक़वामे मुत्तहिदा के अमले की 200 से ज़ायद अराकीन को कोरोना का शिकार। मास्को में कोरोना SOPs के साथ मशहूर थिएटर खुल गया। सऊदी अरब फ़लस्तीन की आज़ादी और पुरअमन हल के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सऊदी फरमानरवाज शाह सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया। टेलीफोन पर दोनों रहनुमाओं का खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। और मिस्र के शहर गजा से 2,500 साल पुराने ताबूत दरियाफ्त। माहरीन आसार क़दीमा के मुताबिक 13 ताबूत बरामद हुए जो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें। और सबसे पहले आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अहम दहशतगर्द 5 साथियों समेत हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले कमांडर वसीम का ताल्लुक मीर अली के इलाका हैदर खैल से था। दहशतगर्द वसीम हसोखेल में आर्मी काफिले पर हमले में भी मुलविस था। दहशतगर्द वसीम CSS ऑफिसर ज़ुबैदुल्ला दावड़ की शहादत में भी मुलविस था। इस हवाले से आपको बताएंगे, पाक फ़ौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में अहम दहशतगर्द वसीम ज़करिया 5 दीगर साथियों समेत हलाक हो गया, जबकि 10 अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द वसीम सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलविस था। दहशतगर्द वसीम ज़करिया इलाके में टारगेट किलिंग और हुकूमती इदारों पर हमले में मुलविस था। मुल्क में 15 सितंबर से मैट्रिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्लासेस खोलने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का वीडियो लिंक इजलास। चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC ने भी शिरकत की। वजारत सेहत के हुक्काम ने इजलास में ब्रीफिंग दी, जिसकी रोशनी में 3 मराहल में तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया। पहले मरहले में 15 सितंबर से नवी मैट्रिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्लासेस को खोला जाएगा। एक हफ्ते बाद दूसरे मरहले में 23 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात में तदरीसी अमल की इजाज़त दी जाएगी। इस हवाले से आपको बताएं कि आखिरी मरहले में 30 सितंबर से पहले से 5वीं तक की क्लासेस शुरू होंगी। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा और तलबा को मास्क लाजमी पहनना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत मंसूबों पर जल्द अमल दरामद ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के डॉक्टर बाबर अवान से मुलाकात। कहा, सियासी बदइंतज़ामियों के बायस कराची के हालात बदतरीन हुए। मुलाकात के दौरान FATF से मुतल्लिका कानून साजी पर गुफ्तगू की गई, जबकि वज़ीर आज़म ने कानून साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया। शहर कायद की तरक्की वफाक हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। वफाक कराची के मसाइल के हल के लिए माली वसाइल फराहम करेगा। इस मौके पर मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान का कहना था कि वफाक दारकूमत ने मुआशी हब की बेहतरी के लिए बरवक्त कदम उठाया।
सिंध में मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरतहाल बरकरार। दादू में 200 से ज़ायद देहातों का 14 रोज से ज़मीनी राबता मुनक़ता। आशिया खुरनोश की किल्लत। दरियाए सिंध में रौंती और गड्डू बराज पर पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए रावी और चनाब में भी पानी के बहाव में तेज़ी आ गई। दूसरी जानिब दरियाए चनाब में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। तहसील लियाकतपुर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। जलालपुर पीरवाला में भी दरियाए चनाब में आने वाले सैलाब के बायस दर्जनों बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। दरियाए रावी में भी पानी का बहाव तेज़ है, जिसके बायस साहिवाल के मुख्तलिफ देहात में कटाव शुरू हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और मूंग की फसलें भी ज़ेरे आब आ गईं। शुजाबाद में 3 खवातीन दरियाए चनाब में गिर गईं, 2 जाँ बहक, 1 को जिंदा बचा लिया गया। हालिया बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं चकवाल, कलरकहार और खुशाब को आफत ज़दा करार दिया जाए। बारिशों के बायस मुतासर इलाकों में फसलें तबाह हुई, लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया, नुकसानात का इजाला किया जाए। बारिशों का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया, तमाम फसलें तबाह हो चुकी हैं, डैम्स टूट गए हैं, रास्ते मुनक़ता हैं। मुल्क भर में योम फ़िज़ाइया आज मनाया जा रहा है। कराची में राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर की कबर पर फूल रखने की तकरीब हुई। एयर वाइस मार्शल अब्बास घुमन ने कबर पर फूल रखे और फातिहा खानी की। जंग सितंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय सुरमाओं को नाकों चने चपवा दिए। पाक फ़िज़ाइया के हवाबाज स्क्वाड्रन लीडर MM आलम को यह एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में एक डॉग फाइट के दौरान 5 इंडियन हंटर जंगी त्यारे 1 मिनट के अंदर मार गिराए। इनका यह कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस मिशन में MM आलम ने F-86 सेबर त्यारा उड़ाया। मजमूई तौर पर MM आलम ने 9 त्यारे गिराए और 2 को नुकसान पहुंचाया। जंग सितंबर में पाक फ़ज़ाइया ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मक्कार दुश्मन पर हमारी पाक फ़ज़ाइया कहरे खुदावंदी बनकर नाजिल हुई। MM आलम ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 लड़ाका त्यारे गिराकर दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम किया। फ़ज़ाइया की आलमी तारीख में MM आलम ने जो बहादुरी दिखाई वो आज भी मुनफरिद मिसाल है। नवाज शरीफ ने फ़ज़ाइया को ताकतवर बनाया। JF-17 तैयारा इस समर का वाज़ह सबूत है। वक्त के साथ हमारी फ़ज़ाइया की सहलियत, इस्तेदाद और काबिलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। दिफाए वतन के लिए फ़ज़ाइया को और भी मजबूत बनाएंगे। शहरी लापता केस में वज़ीर दाखला एजाज शाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी दारुलहुकूमत के शहरी अब्दुल कद्दूस की गुमशदगी के हवाले से केस की समाअत हुई। SP इन्वेस्टिगेशन अदालत को बताया कि 50 लापता अफराद की JIT की सरबराही मैं कर रहा हूँ। शहरी के दम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया। इस्लामाबाद पुलिस नाकाम हो चुकी है तो क्या तफ्तीश करने के लिए सिंध पुलिस को लिखें। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर अदालती मामलत के लिए तलब कर लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर वजीर दाखिला आइंदा समात पर जवाब न दे सके तो फिर वजीर आजम को बुलाएंगे। अदालत ने केस की समात 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और अहले खाना पर फर्द जुर्माइद एहतसाब अदालत में आमदन से ज़्यादा सजात केस की समाअत जज मोहम्मद अकमल खान ने की। अदालत ने मुलजमान को बर्रियत की दरख्वास्तों को वापस कर दिया। इस हवाले से आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत उनके अहले खाना पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजमान में फवाद हसन फवाद, रबाब हसन, वकार हसन और अंजुमन हसन शामिल हैं। मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ नैब लाहौर ने साबिक DG LDA और शहबाज शरीफ के करीबी साथी अहद खान चीमा के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। नैब लाहौर ने अहद खान चीमा, नदीम ज़िया समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से भी रजू कर लिया है। सिंध में बल्दियाती हलका बंदियां, इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में बल्दियाती हलका बंदियों के अमल पर एतराज़ उठाते हुए मुतालबा कर दिया कि मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के बगैर हलका बंदियां नहीं हो सकती।
इस हवाले से आपको अपडेट करें कि निसार खोड़ो, फरतुल्ला बाबर, ताज हैदर और मुर्तज़ा वहाब पर मुश्तमिल वफ्द ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन हुकाम से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी के तहफ़ुज़ात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन 31 अगस्त को सिंध की बल्दियाती हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, जिसके तहत 9 सितंबर से हल्का बंदियों के अमल का आगाज़ होना है। इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा कि हल्का बंदियों को जारी रखना है या मरदमशुमारी के सरकारी नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार ने अकरम गोंदल को शराब लाइसेंस का ज़िम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने नैब के सवालनामे का जवाब देते हुए मौका अपनाया कि वो और चीफ सेक्रेटरी पंजाब या इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का शराब लाइसेंस की मंजूरी में कोई किरदार और अमल नहीं। शराब का लाइसेंस 19 जनवरी 2019 को जारी किया गया था। एक्साइज सेक्रेटरी की बनाई कमेटी ने लाइसेंस मनसूख कर दिया, जो लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया। साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अहम गवाह बनने के लिए नैब में दरख्वास्त दाखिल की थी। अकरम अशरफ गोंदल के मुताबिक मुतअद्दिद बार वज़ीर आला के अहकाम पहुँचाए गए कि लाहौर होटल को ये लाइसेंस जारी किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया रची की मुल्क बदरी रोक दी। अदालत ने अमरीकी खातून ब्लॉगर को रोकते हुए वजारत दाखिला समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सिंथिया रची ने वजारत दाखिला के हुक्म को चैलेंज किया था। अदालत ने सिंथिया रची को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म भी जारी कर दिया। इस हवाले से आपको बताएँ कि दौरान समाअत सिंथिया रची के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि वजारत दाखिला ने वीज़ा मुस्तरद करते वक्त वजूहात का जिक्र किया, ना हमें सुना। चीफ जस्टिस आतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि वीज़ा मुस्तरद करने में वजूहात का जिक्र करना ज़रूरी नहीं। जब पाकिस्तानियों के वीज़े मुस्तरद होते हैं तब तो कोई वजह नहीं बताई जाती। सिंथिया रची को इल्ज़ाम के हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह करने की हिदायत भी कर दी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 394 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की मजमू तादाद 2,98,903 हो गई। मजीद 3 मरीज़ जामबहक हो गए। अमवात 6,345 तक जा पहुँची। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 6,542 रह गई। सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,86,016 हो गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि समुद्री तूफ़ान हाइशन जापान के करीब पहुंच गया। 216 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से आने वाला तूफ़ान आज जापान के जनूबी साहिलों से टकराने का इम्कान है। तूफ़ान के जेर असर साहली इलाकों में बुलंद लहरों, तेज़ हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि 1,80,000 से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हैं। ओकियानों और जनूबी इलाकों से 500 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर देंगी, जबकि मगरबी और जनूबी इलाकों में ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। हुकाम ने 18 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हदायत भी जारी कर दी। मिस्र में 2,500 साल पुराने 13 कदीम ताबूत दरियाफ्त कर लिए गए। माहिरीन नसारे कदीमा के मुताबिक मिलने वाले ताबूत मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इलाके की मजीद मकामात पर खुदाई की जा रही है। माहिरीन के इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक बरामद होने वाले किसी शाही ख़ानदान के फ़र्द की मालूम होते हैं। ताबूत के साथ दीगर अशिया भी बरामद हुई, जिनकी तहकीकात जारी है। इसके साथ ही कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।